गाइस हाउ आर यू, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एजुकेशन हब इजी वे। सो गाइस टुडे आई एम टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th ऑफ बायोलॉजी। सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस चलते हैं ऑन टॉपिक। गाइस इस चैप्टर की ये पार्ट 3 वीडियो है। मैं ऑलरेडी पार्ट 2 इसके अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक लेकर चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस चलते हैं ऑन टॉपिक विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। बात करते हैं आज हम यहाँ पर सेल वॉल के बारे में। तो गाइस सेल वॉल है, फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें प्रेजेंट होती है केवल प्लांट्स में पाई जाती है। तो देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्लांट्स सेल्स इन एडिशनल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किस में होती है? एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, हैव अनदर रिगिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ये होता क्या है गाइस कि एक रिगिड, रिगिड का मतलब मजबूत यानी कठोर, आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो जैसे मान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे कोई एक ये सेल है और सेल के ऊपर या सेल की ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है अपर पार्ट, वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली जो साइड होती है इसी को बोलते हैं हम सेल वॉल। तो कहने का मतलब है कि प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो पाई जाती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वही है कि सेल वॉल कहाँ पर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज। प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, यानी प्लांट को एक मजबूती प्रोवाइड करता है। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसको एक स्ट्रेंथ, यानी प्लांट जो सीधे खड़े होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सेलुलोज की वजह से, सेल वॉल की वजह से होते हैं। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल्स लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेन ऑफ द सेल भी फ्रॉम द सेल वॉल। तो कहने का मतलब है कि जब प्लांट सेल है वाटर लॉस करती है, यानी वाटर को बाहर निकालती है किसके थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो वहाँ पर क्या होता है? श्रिंकेज, यानी जो सेल है वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। कंट्रैक्शन का मतलब भी यही होता है, सिकुड़ जाना, ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो यहाँ पर कहने का मतलब है गाइस कि जैसे ये ऊपर सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होती है सेल, तो जब सेल क्या करेगी अपने वाटर रिलीज करेगी तो ये अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ना कि इसका सेल वॉल श्रिंक होगा। सेल वॉल जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये सेलुलोज का बना होता है और ये काफ़ी कैसा होता है? रिगिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये श्रिंक नहीं होती, इसके अंदर जो सेल होती है वही श्रिंक होती है केवल। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इस घटना को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। वैन वी ऑब्जर्व दिस फिनोमिना वाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हम इस घटना को इस जहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिया है, कह सकते हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम जान लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। चलिए एक्टिविटी 5.6 देख लेते हैं। माउंट द पील ऑफ आर रोयो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जाम सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। आपको क्या करना है, एक रोयो लीफ लेनी है और उसके जो पील है उसकी जो लेयर है वो आपको उठानी है और एक स्लाइड पर रखकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, यानी हाई पावर के अंदर आपको देखना है। जो कहने का मतलब है, आपने जो लीफ ली है, लीफ की सेल आपको निकालनी है
और उसके बाद आपको उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स, आप क्या देखोगे कि एक छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मतलब क्या है, वहाँ पर धब्बे से दिखाई देंगे आपको, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, इसके अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस, ग्रीन कलर का पदार्थ प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंट लीफ ऑन द स्लाइड। अब आपको क्या करना है, आपने जो रियो लीफ ली है उसके जो पील है उस पर आपको क्या करना है, स्लाइड पर शुगर सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्ट का जो सॉल्यूशन आपको लेना है। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें शुगर और सॉल्ट की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। वेट फॉर अ मिनट, अब आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए वेट करना है और ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में, व्हाट डू वी सी, आपको अब इसमें क्या दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ प्लेस सम रियो लीफ इज बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। अब आपको क्या करना है, आपने जो रियो लीफ लिया उसको बॉइलिंग वाटर में डाल के रखना है कुछ समय के लिए। दिस किल द सेल्स, इसमें क्या होता है कि जो उसकी सेल्स है वो मर जाती हैं। देन माउंट ऑन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट। अब आपको क्या करना है कि जो लीफ है दोबारा से उसको स्लाइड पर रखना है और ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर, और जैसे आपने जो प्रोसेस पहले किया है वही इसमें भी करना है, वही शुगर सॉल्ट का सॉल्यूशन डालना है स्लाइड पर। वेट फॉर मिनट, और कुछ समय के लिए वेट करना है, फिर आपको दोबारा से इसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट टू बी फाइंड, अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, क्या इसमें प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होती है। तो गाइस मैं बता देती हूँ, आपने जो पहला वाला जो प्रैक्टिकल किया है, पहले वाला जो एक्टिविटीज़ की है, इसमें तो प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होगी लेकिन सेकंड वाले में नहीं होगी, बिकॉज कि जो प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस है वो लिविंग थिंग्स में, लिविंग लीफ में होती है, ना कि डेड लीफ में। जब आप बॉइलिंग वाटर में लीफ को डालते हो तो उसमें क्या होता है, उसकी जो सेल्स है वो मर जाती हैं। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, इस एक्टिविटी से आपको क्या जानकारी मिलती है, इट अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल। तो इससे आप क्या जान पाते हैं कि ये आपको केवल लिविंग सेल में ही दिखता है एंड नॉट डेड सेल्स, डेड सेल में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। आर एबल टू एब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो कहने का मतलब है कि जो लिविंग सेल्स होती हैं, जो लिविंग लीफ होती हैं, उन्हीं के अंदर एबिलिटी होती है वाटर को एब्जर्व करने की बाय ऑस्मोसिस के थ्रू, और जो डेड लीफ होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्व नहीं कर पाती हैं। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक, तो एक्सटर्नल मीडियम विदाउट ब्रस्टिंग। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होगा कि जो सेल है वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगी। कहने का मतलब है कि सेल के अंदर वाटर की कंसिस्टेंसी क्या होती है, कम होती है, और सेल के बाहर वाटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। तो सेल क्या करेगी, हाइपोटोनिक प्रोसेस के थ्रू बाय ऑस्मोसिस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्व कर लेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है, ये कहना चाहता है कि जो सेल वॉल है वो क्या करती है, परमिट करती है, यानी परमिशन देती है द सेल ऑफ द प्लांट्स फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड। तो कहने का मतलब है कि जो फंजाई हुआ, कुछ प्लांट्स की सेल्स हुई, कुछ बैक्टीरिया हुई, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रहती हुई भी काफ़ी समय तक ये बना रहता है विदाउट रस्टिंग, यानी इसकी सेल फटती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, सेल वॉल होती है। मान लेते हैं कि ये कोई सेल है और ये सेल वॉल है, तो ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्व करेगी, यानी ये फूल जाएगी, ये वाला जो एरिया है पूरा कवर कर लेगी सेल, उसके बावजूद भी ये ब्रस्ट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये अपना प्रेशर है बाहर की तरफ लगा रही है, और
जो सेल वॉल है वो अपना प्रेशर का क्या करेगी, अंदर की साइड लगाएगी। जिससे क्या होगा कि दोनों तरफ में प्रेशर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी समय तक जो सेल है बिना फटे हुए बनी रहेगी। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसमें क्या होगा कि जो सेम प्रोसेस आएगा, जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है सेल वो किसके थ्रू कर रही है, ऑस्मोसिस के थ्रू कर रही है। द सेल स्वेल, सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, होल्डिंग अ प्रेशर अगेन द सेल वॉल, और वो अपना प्रेशर किस पर बनाएगी, सेल वॉल पर बनाएगी। द वॉल एक्सर्ट एंड इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलिंग सेल। तो वही सेम बात है, क्या है कि सेल वॉल पर जो प्रेशर पड़ रहा है सेल का, तो सेल वॉल उल्टा क्या करेगी, सेल के ऊपर प्रेशर बनाएगी जो सेल स्वेलो यानी फूली हुई है, इक्वल प्रेशर रहेगा दोनों के। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल्स। तो कहने का मतलब है कि वही रीज़न होता है कि इसमें सेल जो प्लांट्स हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये ज़्यादा समय तक विदाउट ब्रस्टिंग यानी बिना फटे हुए बनी रहती है, सेल फूलने के बाद भी नहीं फटती है, कि ज़्यादा समय तक बनी रहेगी अकॉर्डिंग टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में से कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती तो वो जल्दी से वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाती है यानी फट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस न्यूक्लियस के बारे में। रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन फील वी प्रिपेयर। आपको याद होगा आपने इससे पहले एक्टिविटीज़ की थी, उस एक्टिविटीज़ में क्या था, आपने अनियन फील को लिया था और उसका एक टेम्परेरी माउंट यानी एक स्लाइड बना के तैयार की थी। वी हैड फुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द फील, और आपने क्या किया था उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। क्यों डाला था, रीजन क्या है उसका। वॉट वुड सी इफ़ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द फील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। क्या होगा अगर हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालेंगे, विदाउट आयोडीन सॉल्यूशन के हम सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। ट्राई इट, आप इसको करके देखिए एंड सी वॉट द डिफरेंस इज। आप देखिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है, विदाउट आयोडीन वाली सेल में और विद आयोडीन वाली सेल में। वैन वी फुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द फील, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन फील के ऊपर डालते हैं, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड, क्या ये जो सेल हैं वो सारी एक साथ यानी एक जैसी कलर होती हैं, बराबर कलर्ड होती हैं या अलग अलग कलर्ड होता है। चलिए इसका आंसर अब आपको यहाँ मिलेगा। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशंस डिफरेंट रीजन ऑफ सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंटली। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ केमिकल कंपोजिशन होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन अलग अलग कलर्ड होते हैं, जैसे कि कहीं ज़्यादा कलर्ड होगी सेल्स और कहीं पर कम कलर्ड होगी, तो वो किसके कारण होता है, केमिकल्स के कारण। मान लेते हैं कि कहीं ज़्यादा केमिकल प्रेजेंट है तो वो पार्ट है सेल का ज़्यादा कलर्ड हो जाएगा। सम रीजन्स अपीयर डार्क, कुछ रीजन क्या दिखेगा यहाँ पर, डार्क दिखेगा। देन अदर रीजन यानी अदर रीजन के अकॉर्डिंग, कुछ रीजन इसमें आपको कुछ जगह डार्क कलर्स होगी और कुछ कम कलर्स होगी। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशंस वी कुड आल्सो यूज सैफ्रिन सॉल्यूशन और मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल, यानी सेल को कलर करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन, सैफ्रिन सॉल्यूशन या मेथिलीन सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ऑनियन, हमने एक ऑनियन सेल्स ऑब्जर्व किया था। लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ऑन बॉडी, अब हम इसी तरीके से जैसे सेम हमने ऑनियन सेल्स को देखा था माइक्रोस्कोप में, हम अपनी बॉडी की किसी एक सेल को देख लेते हैं। चलिए एक्टिविटी 5.7 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसमें लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड हमें लेनी है विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, और एक वाटर की ड्रॉप आपको उस पर रख लेनी है। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रब द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक, आपको आइसक्रीम का जो स्पून है वो लेना है और आपको क्या करना है, आपके जो चिक है उसके अंदर की साइड से आपको थोड़ा सा उसको स्क्रैच करना है यानी खुरचना है। डज मे मटेरियल गेट स्टक ऑन स्पून, क्या कुछ मटेरियल आपको स्पून पर मिला दिखाई दिया। विद द हेल्प ऑफ नीडल व्हेन
सॉरी वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस। अब आपको क्या करना है कि जो भी स्पून पर आपको मटेरियल मिला है तो उसको आपको निडल की सहायता से स्लाइड पर ट्रांसफ़र करना है, और जो भी एक तरीके से उसको क्या है इवनली यानी एक सरफेस में उसको फैला के रखना है। टू कलर द मटेरियल, अब आपको क्या करना है जो मटेरियल आपको मिला है उसको कलर करना है। वी कैन पुट आ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन, जिसमें आपको मेथिलीन ब्लू का जो सॉल्यूशन है वो उसके ऊपर डालना है एक दो ड्रॉप। नाउ द मटेरियल इज रेडी, अब ये मटेरियल क्या है रेडी हो चुका है फॉर ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की पर अब आप इसको क्या कर सकते हो ऑब्जर्व कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट, कवर स्लिप से ढकना इसको ना भूले यानी कवर स्लिप से आपको ज़रूर कवर करना है स्लाइड को। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, अब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल वी सी, यानी सेल की जो शेप है वो आपको किस तरीके की दिखाई दे रही है। ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्विंग सीट, अब जो आप अपने पास ऑब्जर्विंग सीट रखते हो जब आप माइक्रोस्कोप में कोई भी एक्टिविटी करते हो तो सीट पर आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। देयर आर डार्कली कलर्ड स्पेरिकल और ओवल, यानी जो डार्क कलर का और स्पेरिकल और ओवल शेप का आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, यानी सेल के बिल्कुल सेंटर पोर्शन में दिखाई देगा। तो वो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियस बोलेंगे, यानी डार्क और स्पेरिकल और ओवल शेप का आपको जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो किसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इज अनियन पील सेल्स, क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको आपने जो अनियन पील की जो सेल देखी थी उसमें भी दिखाई दिया था, बिल्कुल दिखाई दिया था। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो डबल लेयर कवरिंग एक लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, तो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो उस पर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस पर वो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है न्यूक्लियस है और इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करता है जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल बनता है वो कहाँ पर आ जाता है साइटोप्लाज्म में निकल कर आ जाता है इन पोर्स के थ्रू। विच वी विल टॉक अबाउट सेशन, ये साइटोप्लाज्म के बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल्स इज अबाउट टू डिवाइड, यानी न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है क्या प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कैसे दिखाई देते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर यानी रॉड लाइक का शेप होता है इसका। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ये तभी दिखाई देंगे तब सेल क्या होगी डिवाइड होगी, जब सेल का डिवीजन होता है सेल डिवीजन होगा तो वापस क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे रॉड शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, तो क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो पेरेंट्स से कहने का मतलब है कि जब सेल का डिवीजन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियस के थ्रू इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से किस में जाती है ऑफस्प्रिंग में जाती है यानी चाइल्ड में जाती है, जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से चाइल्ड में जाती है ऑफस्प्रिंग में जाती है वो किस फॉर्म में जाती है डीएनए के फॉर्म में। आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट, हर किसी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट कराते हैं, डीएनए टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो कहने का मतलब है जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो किसका जेनेटिक मटेरियल, इस वजह से क्या होता है कि डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइज सेल,
तो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। और ये क्या करते हैं कि जो सेल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, सेल कैसे ऑर्गेनाइजिंग होगी, उसके लिए एक तरीके से इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन, यानी डीएनए का जो फंक्शन सेगमेंट होता है इसको हम जीन कहते हैं। यानी अभी तक आपने पढ़ा कि जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है वो किसके थ्रू जाती है, डीएनए के थ्रू जाती है। लेकिन डीएनए में भी एक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जब कोई सेल डिवाइड नहीं होती है उस समय डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब क्रोमेटिन किस तरीके का दिखाई देता है, एक तरीके से एक गुच्छा जैसा बना दिखाई देगा, जैसे कि मान लेते इस तरीके से एक तरीके से इकट्ठा दिखाई देगा, एक मास जैसा गुच्छा वहाँ पर बना होता है। वेन एवर द सेल्स इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल्स क्या होती है डिवाइड होती है, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इंटू क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तब ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंटर रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस क्या करेगा, एक सेंटर रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। तो कहने का मतलब है कि जब कोई सेल डिवाइड होती है तो उसमें न्यूक्लियस क्या करेगा, यानी साथ में न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और एक सेल से वहाँ पर क्या बन जाएंगी, दो सेल बनेगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई अमीबा की सेल है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे प्रेजेंट है क्या है, न्यूक्लियस। तो जब ये अमीबा की सेल के अमीबा क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इसके साथ में न्यूक्लियस भी इस तरीके से डिवाइड करेगा और एक जो पेरेंट सेल है एक से क्या करेगी, दो डॉटर सेल यहाँ पर बन जाएंगी। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल पार्ट्स अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटर्मिनिंग द वे द सेल्स विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्शन द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। तो कहने का मतलब है जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, क्रूशियल पार्ट है या क्रूशियल प्ले करता है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सेल का जो डिवीजन होता है, तो सेल किस तरीके से, यानी उसका डेवलप होगा, सेल कैसे डेवलप होगी, कैसे सेल की जो मैच्योरिटी है वो बनेगी, यानी पूरा जो डायरेक्शन है, पूरी तरीके से जो सारी एक्टिविटीज़ है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। कि जैसे मान लेते हैं कि जो कैंसर सेल्स है, कैंसर सेल्स क्या होती है, यानी उसकी जो सेल डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, स्पीड से होता है। ये कहने का मतलब है कि यानी टाइम से पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल बना के तैयार कर देता है और वो क्या बना देता है, एक ट्यूमर बना देता है। तो अगर न्यूक्लियस अगर कंट्रोल नहीं करेगा, इस तरीके से जो सेल है वो क्या है, अनवांटेड डिवाइड होती रहेगी। तो जहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सेल को किस तरीके से, किस वे में, किस डायरेक्शन में, एक किस तरीके से उसको मैच्योर होना है, ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस है, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस रीजन होता है वो कैसा होता है, पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली का मतलब है कि वहाँ पर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। टू द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर क्या होती है, अब्सेंट होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियर। तो कहने का मतलब है कि जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, कुछ न्यूक्लिक एसिड वहाँ पर मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर्ड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। कहने का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज जिसमें
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी यानी पुराना, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी उसमें पुराना न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकेरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूकेरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट सेल्स में क्या है कि और भी जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स जैसे कि मान लेते हैं प्लास्टिड हुआ, राइबोसोम हुआ, और भी बहुत सारे जो एक तरीके से सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं, केवल यूकेरियोट्स में ही मिलते हैं, प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनल्स के वो कैसे परफॉर्म करते हैं, पुअरली परफॉर्म करते हैं एक तरीके से साइटोप्लाज्म में। द क्लोरोफिल इज फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बैक्टीरिया इज एसोसिएट विद मेम्ब्रेन वेसिकल्स। तो जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनमें जो मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन्स किसकी बनी होती है, वेसिकल्स यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट नॉट द प्लास्टिड एज इन यूकेरियोट सेल्स। तो यूकेरियोट सेल्स जैसे यूकेरियोट सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होती है, उस प्लास्टिड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस तरीके से यूकेरियोट्स में मिलता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाया गया है, प्रोकैरियोट सेल्स है ये, इसमें बैक्टीरिया के डायग्राम में आपको यहाँ पर एक ही सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई दिया है, वो क्या है, राइबोसोम है, यानी बहुत कम मात्रा में सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, न्यूक्लियॉइड है, यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो फैला हुआ सा दिख रहा है। दूसरा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है। ये प्रोकैरियोट सेल्स का डायग्राम है, यानी ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। व्हेन वी लुक एट टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील, जब आपने एक अनियन पील का जो स्ट्रक्चर देखा था, आपने जो एक्टिविटी की थी और ह्यूमन चिक सेल जो आपने देखी थी माइक्रोस्कोप में, तो आप वहाँ पर क्या देख रहे थे, एक लार्ज रीजन देख रहे थे जो क्या था, एनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन, यानी एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज था। कहने का मतलब है कि जैसे ये कोई सेल है और इसके अंदर ये बड़ा ये न्यूक्लियस है और ये काफ़ी सारा लार्ज रीजन है, तो ये सारा जो लार्ज रीजन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो दिखाई दे रहा है वही रीजन है वो जो क्या था, यानी बहुत कम लिटिल स्टेन था, लिटिल यानी ज़्यादा कलर्ड नहीं हुआ था। तो ऐसे रीजन को, ऐसे जो आपको बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा था जो कम कलर था उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक फ्लूइड में इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी होती है, फ्लूइड होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलती है। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर और भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, जो क्या करते हैं सेल के लिए अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन यानी अलग अलग काम करते हैं, स्पेशल वर्क करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, एनक्लोज होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, लेकिन प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो सेल ऑर्गेनल्स से पहले तो प्रेजेंट नहीं होती, अगर कोई होते भी हैं तो वो क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन के थ्रू एनक्लोज नहीं होते हैं यानी पैक नहीं होते हैं। तो वही चीज़ है कि प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, वहाँ पर न्यूक्लियर रीजन है वो डिफाइंड नहीं होता है, बिखरा हुआ सा मिलेगा पूरे सेल में। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट, यानी वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं।
सेल ऑर्गेनल्स वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड द यूकेरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स। और अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो वहाँ पे आपको आसानी से जो भी ऑर्गेनल्स मिलेंगे वो क्या होंगे, मेम्ब्रेन एनक्लोज होंगे, यानी इनके ऊपर से एक सेल मेम्ब्रेन मिलेगी आपको। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलुस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। इसको समझने के लिए, इसके मेम्ब्रेन के महत्व को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, वायरस का। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हैंस डू नॉट शो करेक्टरिस ऑफ लाइफ। तो वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन प्रजेंट नहीं होती है, जिससे कि जिसके कारण वो क्या है, अपने ऐसे कोई भी करैक्टर शो नहीं कर पाता है कि वो जो उसमें लाइफ है या कह सकते हैं कि वो जीवित है। अनटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी, जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है, यूज इट सेल मशीनरी, तो उस जिस लिविंग बॉडी के अंदर उसने एंटर किया है तो उसकी सेल मशीनरी का वो यूज करके अपने आप को क्या करा लेता है, वहाँ पर मल्टीपल कराता है, यानी अपनी संख्या को, अपने नंबर को वहाँ पर बढ़ाने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस बताया गया है प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट सेल्स में डिफरेंस बताया गया है। प्रोकैरियोट सेल्स क्या है, साइज में अकॉर्डिंग टू यूकेरियोट्स पे छोटी है। इसका साइज क्या होता है, 1 to 10 μm होता है, और इसका होता है 5 to 100 μm। दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियस रीजन में बताया गया है, यहाँ पर न्यूक्लियस रीजन वेल डिफाइंड होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस रीजन वेल डिफाइंड नहीं होगा, और इसके इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्रोमोसोम्स है जो प्रोकैरियोट्स में, वो कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। और अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम काफ़ी सारे दिखाई देंगे, एक से ज़्यादा दिखाई देंगे। दूसरा, प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।